हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है आपका सोशियोलॉजी का फोर्थ सेमेस्टर का, जो है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ऑफ स्विट्जरलैंड। कि स्विट्जरलैंड ने ये थ्योरी क्यों दी थी जिसका नाम है डिफरेंशियल एसोसिएशन। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो क्रिमिनोलॉजी है, यानी कि जो अपराध की दुनिया है, उसके बारे में अपने विचार दिए थे। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी इज अ क्रिमिनोलॉजी थ्योरी दैट लुक्स एट द एक्ट्स ऑफ क्रिमिनल एज लर्न बिहेवियर। अपनी इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया है कि जो क्राइम करते हैं, जो लोग अपराधी होते हैं, वो अपराध करना सीखते हैं, यानी कि अपराध किस तरीके से किया जाता है उसको वो लर्न करते हैं, अपनी लाइफ में सीखते हैं। एडविन एस स्विट्जरलैंड इज क्रेडिट विद द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी इन 1939। इन्होंने इस थ्योरी को 1939 में दिया था। इसके बाद इन्होंने 1947 में भी इसको अप्लाई कर दिया था जिन लोगों ने अपराध किए थे। स्विट्जरलैंड ए सोशियोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, वो अपनी पूरी लाइफ में एक समाजशास्त्री रहे हैं और प्रोफेसर रहे हैं। डेवलप डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ इट वॉज दैट क्रिमिनल बिकम टू कमिट एक्ट ऑफ डेविएंट बिहेवियर। अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी को डेवलप किया था, विकसित किया था, और ये एक्सप्लेन किया था कि क्रिमिनल्स कि जो अपराधी होते हैं वो एक काम को कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे कमिट करते हैं या कैसे अंजाम पहुंचाते हैं ऑफ डेविएंट बिहेवियर, कि समाज के नियमों से हटकर वो डेविएंट बिहेवियर करते हैं और उस अपराध को करना करते हैं जिसको वो करना चाहते हैं। विद हिज फोर्थ एडिशन ऑफ हिज बुक, और उसने अपनी फोर्थ एडिशन की बुक थी प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, 1939 उन्होंने अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, वहां उन्होंने बताया था। लेकिन उन्होंने अपना फोर्थ एडिशन बनाया है 1947 में और नाम था प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। स्विट्जरलैंड फाइनलाइज हिज थ्योरी दैट डेविएंट बिहेवियर इज सोशलाइज्ड थ्रू लैक ऑफ अपोजिशन टू सच बिहेवियर, कि एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो डेविएंट कैसे हो जाता है, कि आपके समाज से वो कैसे डेविएंट होता चला जाता है और क्यों वो एक विरोधी व्यवहार करना सीख लेता है। इन हिज थ्योरी स्विट्जरलैंड असेस दैट क्रिमिनल बिहेवियर इज नॉट टू बी एक्सप्लेन्ड अवे बाय डीमिंग द क्रिमिनल सिंपल। इन्होंने ये कहा है, अपनी थ्योरी में ये बताया है कि हम जो क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं वो इतना आसान नहीं है, उसको असेस जल्दी से नहीं किया जा सकता कि हम उसको कैसे असेस करेंगे। क्रिमिनल बिहेवियर वो भी हो सकता है जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी को के बारे में अपने मन में बुरा सोचते हैं, तो वो क्या क्रिमिनल बिहेवियर है? ये छोटे लेवल पर शुरू होता है। एज डू मोस्ट सोशल लर्निंग थ्योरीज, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बिलीव्स दैट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड, कि एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है एंड शेप्ड एक आकार लेता है बाय अदर इंडिविजुअल दे एसोसिएट विद, उन व्यक्तियों से जिनके साथ वो संबंध स्थापित करता है, बातचीत करता है, इंटर कनेक्टेड होता है। द प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप इज दैट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप होता है न्यूक्लियर फैमिली, कि एक एकांकी परिवार है, एक अकेला परिवार है, विच इंडिविजुअल्स लाइफ, जिसमें वो व्यक्ति रहता है एंड ग्रोज अप विद, और उसके साथ वो बड़ा होता है। इट इज बिलीव्ड दैट दिस इंटरेक्शंस, कि उस परिवार में जो एकांकी परिवार है वहां पर वो जो रहता है उसके साथ जो इंटरेक्शन बनता है फॉर्मुलेट द इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, वहां पर वो समाज के नियमों को और वैल्यूज को सीखता है, अंडरस्टैंड करता है, फॉर्मुलेट करता है। इट इज देन अज्यूम दैट इफ द इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ लर्निंग वट इज एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, दे आर ऑल्सो नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग वट इज कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल, कि इस परिवार में वो जो व्यक्ति है वो ये सीखता है कि समाज में क्या एक्सेप्टेबल है, क्या हमें करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो ये सीखने के योग्य नहीं होता कि समाज में क्या अनएक्सेप्टेबल है, कि समाज किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उन चीजों का यहाँ पर बताया गया है। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी प्रपोज दैट पीपल लर्न वैल्यूज एटीट्यूड्स techniques and motives for criminal behavior through their interaction with others. यहाँ पर यह बताया गया है differential association theory में कि जो एक व्यक्ति है वो अपराध के तरीकों को, अपराध की values को, उसके attitudes को, उसकी technique को, कि एक अपराधी
व्यवहार कैसे किया जाता है, उस अपराध की वैल्यूज क्या है, टेक्निक्स क्या है, बिहेवियर कैसे है, इन सब को दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर सीखता है। इट इज अ लर्निंग थ्योरी ऑफ डेवियंस दैट वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट एडविन सुडरलैंड। कि जो डेवियंस जो ये थ्योरी है जिसका नाम है डिफरेंशियल एसोसिएशन, ये क्या करता है कि समाज में रहकर लोग अपने व्यवहार को डेवियंस कर लेते हैं, यानी कि समाज के जो नॉर्म है उनसे दूर कर लेते हैं और इस अपराध की भावना को या अपराध के व्यवहार को सीखते हैं। बिफोर सुदरलैंड इंट्रोड्यूस हिज थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर क्रिमिनल बिहेवियर वर वेरिड इन एंड इनकंसिस्टेंट। कि सुदरलैंड के इस थ्योरी को डिफाइन करने से पहले जो क्रिमिनल बिहेवियर था वो अलग अलग था, यानी कि वेरिड था, उसमें विभिन्नताएं थी एंड इनकंसिस्टेंस था कि हम किस व्यवहार को क्रिमिनल बिहेवियर बोलेंगे। ये जो क्रिमिनल बिहेवियर था इसमें विभिन्नताएं थी, कोई एक स्पष्ट परिभाषा इसकी नहीं थी और इसमें एक जो कंटिन्यूटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, वो भी नहीं थी। सीइंग दिस एज ए वीकनेस, तो सुदरलैंड ने यहाँ देखा कि इस बिहेवियर को डिफाइन करने में कुछ वीकनेस है। ला प्रोफेसर जोरेम माइकल एंड फिलोसफर मार्टिन जे एल्डर पब्लिश्ड ए कार्टिक्यू ऑफ फील्ड दैट एग्रीड विद दैट क्रिमिनोलॉजी हैड नॉट प्रोड्यूस एनी साइंटिफिकली बैक थ्योरी ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। कि जो हमारी क्रिमिनल एक्टिविटी है उसकी थ्योरी को हम साइंटिफिकली क्या कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। सुदरलैंड सा दिस एज ए कॉल टू आर्म्स एंड यूज इगोरियो साइंटिफिक मेथड टू डेवलप डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। तो यहाँ पर सुदरलैंड ने क्या क्या साइंटिफिक मेथड लगाए हैं, उनको डेवलप किया है और उनका यूज करके इस थ्योरी को बनाया है। सुदरलैंड इनिशियली आउटलाइंड हिज थ्योरी इन 1939। सबसे पहले 1939 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इन द थर्ड एडिशन ऑफ हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। लेकिन उन्होंने थर्ड एडिशन क्या नाम था इनका, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। फर्स्ट एडिशन था इनका प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और इनका थर्ड एडिशन है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। देन ही रिवाइज द थ्योरी फॉर द फोर्थ एडिशन ऑफ द बुक इन 1947। फिर उन्होंने इसी बुक को रिवाइज किया था 1947 के अकॉर्डिंग। सिंस देन डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी हैज रिमेंड पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड हैज स्पार्क्ड ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च। और 1947 के बाद इस थ्योरी ने, ये थ्योरी अपनी पीक पर थी और इसने इस क्रिमिनोलॉजी के बिहेवियर को डील करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इसको वहां तक पहुंचा दिया। वन ऑफ द रीजन फॉर द थ्योरी कंटिन्यूड पेरिटेंस, इट इज बोरोड एबिलिटी टू एक्सप्लेन ऑल काइंड्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी फ्रॉम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी टू वाइट कॉलर क्राइम। तो जो ये थ्योरी थी डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी थी, इसने क्या किया, इसने उन सभी क्राइम को एक्सप्लेन किया जो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, कि किशोर अपराध से लेकर टू वाइट कॉलर क्राइम तक है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की जो किशोर अवस्था में किशोर अपराध करते हैं, वाइट कॉलर डेलिक्वेंट क्राइम वो है कि जब हम किसी को झूठ बोलते हैं, किसी को हम चीट करते हैं, अनट्रस्ट की भावना हमारे अंदर आ जाती है कि हमने कोई चीजें बनाई हैं और उनको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो वाइट कॉलर क्राइम है कि मेनली किसी से झूठ बोलना। इसके बाद इन्होंने 9 प्रोपोजिशंस बताई हैं कि जो इनकी थ्योरी थी उसमें 9 प्रोपोजिशंस हैं जिस पर काम किया गया है। फर्स्ट, ऑल क्राइमिनल बिहेवियर इज लर्न, कि जितना भी क्रिमिनल बिहेवियर है वो सीखा हुआ है। क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स बाय अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कि क्रिमिनल बिहेवियर को दूसरे लोगों के साथ बातचीत करके, इंटरेक्ट करके सीखा जाता है। मोस्ट लर्निंग अबाउट क्रिमिनल बिहेवियर हैपन्स इन इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप। मोस्टली जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो क्या है, पर्सनल ग्रुप में बनाया जाता है, जो पर्सनल ग्रुप का रिलेशनशिप है वहाँ से उत्पन्न होता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर में इंक्लूड लर्निंग अबाउट टेक्निक्स टू कैरी आउट द बिहेवियर एज वेल एज द मोटिव एंड रैशनलाइजेशन दैट वुड जस्टिफाई क्रिमिनल एक्टिविटी एंड द एटीट्यूड नेसेसरी और टू ओरियंट एंड इंडिविजुअल टुवर्ड सच एक्टिविटी। यहाँ पर यह बताया गया कि जो क्रिमिनल बिहेवियर उसको सीखा जाता है, इसमें उसकी टेक्निक को सीखा जाता है और उन टेक्निक को अपने बिहेवियर में लेकर आया जाता है कि हमें ये व्यवहार, क्रिमिनल बिहेवियर करना कैसे है। द डायरेक्शंस
ऑफ मोटिव्स एंड ड्राइव्स टुवर्ड्स क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल द बिहेवियर बिकॉज नॉन क्रिमिनल बिहेवियर कोड्स इज वन जियोग्राफिकल एरिया आर फेवरेबल और अनफेवरेबल। यहाँ पर यह बताया गया है कि कुछ मोटिव्स भी होते हैं, कुछ ड्राइव्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर को एक दिशा प्रदान करते हैं और उसको सिखाते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। क्योंकि कई बार जो नॉन क्रिमिनल बिहेवियर होता है वो अपने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकता है। व्हेन द नंबर ऑफ फेवरेबल इंटरप्रिटेशन दैट स्पोर्ट्स वायलेटिंग द लॉ आउटवे द अनफेवरेबल इंटरप्रिटेशन दैट डोंट एन इंडिविजुअल विल चूज टू बिकम ए क्रिमिनल। कि कई बार क्या होता है, जो फेवरेबल इंटरप्रिटेशन होते हैं वो क्या करते हैं, उस कानून को क्या करते हैं, अच्छे से नहीं मानते, उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। तो इंडिविजुअल बिहेवियर यहाँ पर ये चूज नहीं कर पा रहा कि क्या फेवरेबल और क्या अनफेवरेबल है। ऑल डिफरेंशियल एसोसिएशन आर नॉट इक्वल, कि जितनी भी डिफरेंशियल एसोसिएशन है वो इक्वल नहीं है। दे कैन वेरी इन फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी प्रायोरिटी एंड ड्यूरेशन, कि उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, प्रायोरिटी ड्यूरेशन, इन चारों में वे क्या करती है, अलग अलग तरह की पाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स रिलाइज द सेम मैकेनिज्म दैट आर यूज्ड इन लर्निंग अबाउट एनी बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर कुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरलाइज्ड नीड्स एंड वैल्यूज बट दे डोंट एक्सप्रेस द सेम नीड्स एंड वैल्यूज। अब यहाँ ये बताया गया जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसको सामान्यकरण किया जा सकता है कि मेनली ऑल इंडिया की बजाय ऑल वर्ल्ड में जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसकी नीड और वैल्यूज को जनरलाइज किया जा सकता है बट दे डोंट एक्सप्रेस द सेम नीड्स एंड वैल्यूज। लेकिन ये अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग भी हो सकते तो हम इसके यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये किया है हमने डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी सदरलैंड के, जो सोशियोलॉजी का आपका पार्ट है।